मतलब गाइस कि आप भी यूज करते हैं जीबी व्हाट्सएप, और आपका व्हाट्सएप जो बैन हो जाता है वो एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, चाहे वो 1.5 घंटे हो या फिर 3 घंटे 4 घंटे, इतने देर के लिए आपके व्हाट्सएप को बैन कर दिया जाता है और आप चैटिंग नहीं कर पाते हैं और इससे परेशान हो जाते हैं। तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूं इसका शॉर्ट आउट क्या है। मैं दिखाऊंगा पूरा प्रूफ के साथ कि इसका शॉर्ट आउट क्या है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि वजह क्या है, सबसे पहले कि इसके बैन होने की वजह क्या है वो मैं आपको पूरा इसमें बताऊंगा। और एक न्यूज जो आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जीबी व्हाट्सएप का एक और मतलब वर्जन आया है जहां पे आपके व्हाट्सएप को बैन नहीं किया जाएगा, मतलब जीबी व्हाट्सएप बैन नहीं होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये हकीकत है या नहीं है, मैं आपको बताऊंगा इसमें। लेकिन इससे पहले क्या करना होगा, वीडियो स्टार्ट करनी होगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो चलिए जल्दी से हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैन होने की वजह क्या है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि मेरा जो व्हाट्सएप बैन कर दिया गया है, जब मैं इस पे लर्न मोर का जो ऑप्शन है जब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पे एक ऑप्शन आ जाता है खुल के, कि वहां पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है खुल के वहां पे, लेकिन फर्स्ट ही में टेम्परली बैन का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करते हैं तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे बहुत सारी चीज खुल के आ जाएगी। लेकिन यहां पे आपको इसकी पूरी टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, पूरे आप इसको पढ़ सकते हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। जब इसमें देखेंगे तो वहां पे अनफॉर्चुनेटली लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ बता रहा है कि आपके व्हाट्सएप बैन होने की वजह या तो आप जीबी व्हाट्सएप यूज करते हैं या प्लस व्हाट्सएप यूज करते हैं या गोल्ड व्हाट्सएप जो आता है ये यूज करते हैं या फिर आप इसका अल्टरनेट मतलब कोई भी यूज करते हैं जो थर्ड पार्टी है, जो असल ऑफिशियल व्हाट्सएप है, इसके अलावा मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हैं व्हाट्सएप की, इसी बिना पे आपको बैन हो रहा है, आपका जो है बैन हो रहा है। अब इसका शॉर्ट आउट क्या है वो मैं बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जीबी व्हाट्सएप जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नहीं है, ये इसकी थर्ड पार्टी है। वो इस तरीके से कि कोई भी एप्लीकेशन जब मार्केट में आती है तो जो हैकर होते हैं या फिर उसको बोल लीजिए वो जो मॉडिफाई करने वाले होते हैं, एपीके जो मोड होता है उसको मॉडिफाई करने वाले होते हैं, उसको क्या करते हैं कि उसमें जो है अपना डाटा जो होता है, अपनी चीजें होती है, उसको इंक्लूड कर देता है और उसके बाद जो या तो उससे कुछ अच्छा बना देता है या फिर उससे थोड़ा सा बुरा बना देता है। लेकिन जेबी व्हाट्सएप में यह है कि उसमें ऑप्शन बहुत कुछ ज्यादा है और उसमें लुक भी अच्छा है, देखने में भी अच्छा लगता है। लेकिन बात यह है कि देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन प्रॉब्लम यह होती है कि यह ऑफिशियल व्हाट्सएप नहीं है और इसी बिना पे व्हाट्सएप जो हैक हो जाता है, जिसके बिना पे कभी आपके जो पर्सनल चीजें जो होती है, पर्सनल डाटा जो होता है वो आपका हैक हो जाता है और जिसके बिना पे आप परेशान हो जाते हैं। तो व्हाट्सएप ने 2019 इससे पहले तो क्या कहते हैं जीबी व्हाट्सएप जो यूज करने वाले बहुत सारे व्हाट्सएप थे, जिससे चाहे जीबी व्हाट्सएप हो या फिर गोल्ड व्हाट्सएप या प्लस व्हाट्सएप, तो इससे पहले मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी चाहे आप कोई भी यूज करिए। लेकिन 2019 में इसको इतना जो सख्त बना दिया हुआ इस वजह से कि अभी कुछ दिन पहले मे बी 2 वीक्स पहले जो है व्हाट्सएप को जो ऑफिशियल व्हाट्सएप उसको पूरा हैक कर लिया गया था, वो सिर्फ एक कॉल करके सिर्फ आपको मिस कॉल किया जाता था और उसके बाद जो व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता था। तो इस पे जो है और इसको पकड़ सख्त जो अपने मजबूत कर ली कि जो अगर हैक हो जाता है व्हाट्सएप पे तो उसको जो है हैक होने के बाद जो लोगों जो व्हाट्सएप पे मतलब जो ऑनर है असल उस पे असल वो लोग ब्लेम करते हैं कि व्हाट्सएप हैक हो गया, लेकिन वो देखते नहीं है कि आप कौन व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। तो इसी बिना पे उन्होंने ये ऑफिशियल अपने व्हाट्सएप में ऐलान कर दिया, उसमें लिख दिया, बता दिया कि आप जो है अगर ऑफिशियल व्हाट्सएप के अलावा कोई भी यूज कर देंगे थर्ड पार्टी में से जो भी हो चाहे ऑफिशियल के अलावा, तो आपका यही बैन होता रहेगा, थोड़ी देर के लिए जो है अनबैन होगा और उसके बाद फिर बैन हो जाएगा। तो सिंपली सा वहां पर उन्होंने इसकी मतलब बताया भी है कि आप इसको कैसे अनबैन कर सकते हैं। तो वहां मैं आपको बता देता हूं सिंपल सा तरीके में, इतना पढ़ने से अच्छा है उसमें बताने से, कि आपको करना होगा कि सबसे पहले वहां पर जैसा बताया वही मैं बता रहा हूं कि वहां पर आपको डायरेक्टली क्या करना होगा कि अगर आपके पास जीबी व्हाट्सएप है, अगर आपके पास कोई पर्सनल डाटा नहीं है, मतलब कोई इतनी अहम चीज चैटिंग नहीं की है, तो आप डायरेक्टली क्या करिए उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपके पास जो कोई पर्सनल डाटा है और आप चाहते हैं उसको सेव करना, तो क्या करिए उसको जो सेटिंग में जाके आप उसको बैकअप कर लीजिए, उसका जो है रिस्टोर जमा कर लीजिए और उसके बाद जो है उसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। जैसे अनइंस्टॉल कर देंगे फिर उसके बाद जो है प्ले स्टोर में से जाइए और उसके बाद जो ऑफिशियल व्हाट्सएप जो है उसको इंस्टॉल करिए और उसके बाद जो जैसे इंस्टॉल करके लॉग इन करेंगे फिर जैसे आप उसका बैकअप लेंगे तो सारा कुछ जो है वापस फिर से आ जाएगा। तो ये एक तरीका बताया है कि वहां पे आप जो है जीबी व्हाट्सएप या प्लस व्हाट्सएप या जो भी व्हाट्सएप थर्ड पार्टी में जो भी हो आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और उसके बाद जो ऑफिशियल व्हाट्सएप उसको अनइंस्टॉल करिए और उसके बाद जो है आपका जो है मतलब जो ऑप्शन है मतलब बैन होने वाला ये खत्म हो जाएगा। ये मैंने भी किया, मैं थोड़ी दिन के लिए यूज किया था इसको कि बैन हो रहा था देखने के लिए कि बैन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बैन हो रहा था तो मैं भी इसी तरीके से किया हूं कि जीबी व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल कर दिया
उसके बाद जो ऑफिशियल व्हाट्सएप को यूज कर रहा हूँ अभी फिलहाल में भी। और मैं आपको बता दूं एक चीज, जो मैं हमने सुन में बात की थी कि जो बताया था 6.90 के जो वर्जन जो आ रहा है वो, इसकी रियलिटी ये है कि असल जो है व्हाट्सएप ही पे एक जो है मतलब स्क्रिप्ट जो है रन कर रही है वहां पे। वो वहां पे लिखा हुआ कि जब स्क्रिप्ट पे ओके करेंगे तो वहां पे सबसे पहले बताया जाता है कि आप जो है यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए, इसको डाउनलोड करिए और आपका जो है मतलब व्हाट्सएप बैन होने वाला सिस्टम वो खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं इसकी रियलिटी क्या है। जैसे आप स्लिम पे ओके करेंगे तो आपको वहां पे सबसे पहले ऑप्शन आ जाएगा उसको एड देखने का, मतलब वहां पे आपको जो इसके डेवलपर है मतलब जो स्क्रिप्ट उसने डेवलप किया है वहां उन्होंने उसमें जो है अपनी जो अपना एड जो होता है गूगल एडसेंस का या कहीं का भी वो लगा दिया हुआ है। वो एड लगाने के कारण जितनी क्लिक्स होंगे उसके ऊपर और जितने एड दिखाए जाएंगे ये इसके बेनिफिट जो है जो डेवलपर है उसके पास जाएगा, उसकी इनकम उसके पास होगी। तो यहाँ पे जो सिंपली सा मैं बता दूंगा कि वहां पे आपको वो सिर्फ वो अपने फायदे के लिए बताता है, वहां पर उनका फायदा डाउनलोड करेंगे अगर डाउनलोड होता भी है वहां पे तो वो वही व्हाट्सएप होगा जो बैन होने वाला है। तो आपको अगर कोई ऐसे लिंक आए जहां पे आपको बताया जाएगा कि मतलब इससे आपका व्हाट्सएप बैन नहीं होगा मतलब ये एप्लीकेशन यूज करने से, तो आप उस पर क्लिक न करिए क्योंकि आपको कुछ फायदा नहीं होगा लेकिन डेवलपर को फायदा हो जाएगा। और वहां इंस्टॉल कर लेंगे तो उससे भी कोई फायदा नहीं होगा, आपकी एमबी बर्बाद चली जाएगी। तो इसी बिना पे आप इधर उधर न जाइए। अगर ये थर्ड पार्टी में मतलब जीवी व्हाट्सएप में अगर कोई ऐसी मतलब वर्जन आता है, कोई ऐसा वर्जन आता है तो मैं आपको जरूर इन्फॉर्म करूंगा और मैं बताऊंगा कि, और उसमें मैं दिखा दूंगा कि यूज करके भी बताऊंगा और प्रॉपर मैं यूज करूंगा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो मैं आपको पूरा जो क्लियर करके मैं बताऊंगा। तो आप क्या करिए कि डायरेक्टली इसको शॉर्ट आउट यही है कि आप जो है आप जो भी व्हाट्सएप जो है आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए और उसके बाद जो है आप ऑफिशियल व्हाट्सएप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और उसके बाद जो है उसी को यूज करिए और फिर आपका बैन होने वाला प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।